राजपुरा में बढ़ते नशे के खिलाफ नशा मुक्ति संघर्ष समिति के लोगों ने आज अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि नशे के सौदागरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस मौके पर दिनेश रंधावा और हेमंत साहू ने कहा कि स्मैक, शराब, सट्टे, चरस का कारोबार करने वाले लगातार लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। पुलिस को तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौके पर विक्रम रंधावा और पंकज कश्यप ने कहा, राजपुरा में नशे के तस्करों के दिनों दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लोगों के साथ मारपीट हो रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजपुरा में पुलिस ने नशे पर काफी हद तक लगाम तो लगाई है, इसके बावजूद कुछ तस्कर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, जिससे लोगों में आक्रोश बना हुआ है। नशा राजपुरा में अपने पैर दिनों दिन बढ़ा पसारता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों के साथ आए दिन बदतमीजी, मारपीट, नशे के सौदागर कर रहे हैं, जिसके विरोध में नशा मुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि नशे को, स्मैक को, सट्टे को, शराब को पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जाए, वरना नशा मुक्त संघर्ष समिति बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होगी। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे और हमने कहा है कि जो भी इसमें पुलिस के अधिकारी, जो पुलिस के कर्मचारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए।